अच्छा लग रहा है क्योंकि आज संडे है और फिल्म का जो रिस्पांस है वो बहुत ही पॉजिटिव है। लास्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पे आया था वो शूट आउट एट वडाला के टाइम पे आया था और उस टाइम पे भी रिस्पांस बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस बार ही तो कुछ अलग ही है। लोगों को ये जॉन एब्राहम वापस देखने को मिल रहा है और ये चाहते हैं कि जॉन एब्राहम को वैसे ही देखें, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और सबकी तरफ से मैं अपने ऑडियंसेस को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्स हैज बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जी आई थिंक आई एम अ पीपल्स हीरो और लोगों का एक्सेप्टेंस मिलना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। तो ऑडियंस को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और मेरे लाइफ में मेरी ऑडियंस ही मेरी गॉडफादर है और आज यहाँ पे पता चल रहा है कि इट्स नाइस जब ही ऑडियंस बोलता है कि जॉन एब्राहम अपना हीरो है, यू नो इट फील्स गुड। जी एक्चुअली एक्शन हीरोज अक्सर चलते हैं और लोगों को ज़्यादातर लोगों को एक्शन बहुत ही पसंद होता है, एक्शन कॉमेडी या एक्शन ड्रामा या एक्शन थ्रिलर, लेकिन एक्शन लोगों को बहुत पसंद आती है और ज़्यादातर मेरी फिल्मों में एक्शन ही होता है। जैसे इसके बाद फोर्स टू में एक्शन ही है, तो मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि लास्ट टाइम जब भी मैं यहाँ आया था मणिया सुरवे जब भी बस से उतरता है और मुनीर के लिए चिल्लाता है लोग सीटियाँ बजाते हैं बिकॉज दे लाइक दैट एटमोसफियर। तो इट्स ग्रेट जो प्रेजेंस है, लोगों को बॉडी पसंद है, बोलते हैं कि ये मतलब सबसे फिट जॉन एब्राहम को पहली बार देख रहे हैं, इतना फिट देख रहे हैं। तो आई थिंक ईच टाइम मुझे वो अपने आप को और इम्प्रूव करना पड़ेगा अभी फोर्स टू में इससे ज़्यादा, तो उसके लिए मैं ट्रेन कर रहा हूँ अभी, तो कोशिश यही है कि फोर्स टू में इससे अच्छा दिखूँ मैं। नहीं ऑटो से, क्योंकि मेरा कहाँ है वो सुको, मेरा दोस्त है वो ऑटो रिक्शा चलाता है, सुको सुको सुको, हाँ तो वो ऑटो चलाता है, तो अक्सर वो मेरे साथ मतलब मुझे घर से लेके जाता है। इधर आजा सुको, इधर बैठ, ये सुको बैठ, हाँ तो ये सुको है। और लास्ट टाइम जब ही फोर्स करी थी मैंने उस टाइम पे, तो साउथ इंडियन फिल्म से हमने रीमेक की थी, तो सुकू आया था साउथ इंडियन फिल्म देखने के लिए काका काका, और मैंने सुकू से पूछा कैसे लगी और उसने कहा भाई फिल्म कर लो ये बहुत अच्छी है, आप ये बहुत अच्छी है। तो अभी सुकू डिशुम देखने जाएगा, हाँ भाई के साथ में, हाँ तो हम लोग साथ में जाएंगे। ये ऑटो अच्छा चलाता है लेकिन
कोई कानून नहीं तोड़ता है, कुछ नहीं, बहुत अच्छा चलाता है वो। वो मैंने हमेशा कहा है कि मुझे कलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए यही है कि ऑडियंस हमें एक्सेप्ट करें, और खुद के लिए कह रहा हूँ, वरुण के लिए, जैकलिन के लिए, सबके लिए, हमारे डायरेक्टर, ऑडियंस ने हमारे डायरेक्टर को एक्सेप्ट किया है तो वो अच्छी बात है। अभी तक आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिला है किसी फैन से या कोई आपके बॉलीवुड के फ्रेंड में से? आई थिंक मतलब हमारे हिंदुस्तान में जब भी आपकी बॉडी अच्छी होती है तो बोलते हैं भाई आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो बोलते हैं कि आपकी पर्सनालिटी सबसे अच्छी है इंडस्ट्री में। सो आई थिंक इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मेहनत जाता है टू स्टे फिट, और एक साल के लिए, और मेरा बीच में सर्जरी भी हुआ था, स्टिल आई मेंटेन माय बॉडी, तो अच्छा लगता है। और परफॉर्मेंस के बारे में लोगों ने बहुत तारीफ की है, जो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परफॉर्मेंस, और दे लाइक द कंसिस्टेंसी इन द परफॉर्मेंस, और उन्होंने कहा कि कबीर शेरगिल जो है वो बहुत ही एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है एंड इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। नहीं, आई थिंक दिस फिल्म इज़ नॉट एंटी पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा है, हमारे इंटरव्यूज़ में भी मैंने कहा था कि ये फिल्म एंटी पाकिस्तान नहीं है। तो हमने क्लियरली बताया कि हमारा जो एंटैगनिस्ट है वागा, ना हिंदुस्तान का है ना पाकिस्तान का है, हमने क्लियरली बोल दिया। सो आई डोंट फील फिल्म को वहाँ पे बैन करना चाहिए था, बट आई थिंक एवरीवन हैज़ टू मेक अ डिसीजन। जी, लोग अक्षय और सैफ को याद कर रहे हैं इस फिल्म से, और मतलब मैं खिलाड़ी तो अनारी के बाद, ये काफ़ी टाइम के बाद ये फिल्म रिलीज़ हुई है, एक बड़ी कॉप फिल्म जिसे बोलते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन हमारी खुद की आइडेंटिटी है, अभी वरुण और मेरी बात हुई, हम लोग यही कह रहे थे कि ये फिल्म चले तो डिशुम पार्ट टू शायद हम लोग डेफिनेटली बनाएंगे अगर ये फिल्म चले, और ऐसे लग रहा है कि हमारी एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी हाई है। हम यही चाहते हैं कि ये जो डिशुम सीरीज़ है चलते रहे, और वरुण और मेरी जो जोड़ी है वो बहुत ही स्पेशल है, और ऑफ स्क्रीन भी हम लोग अच्छे दोस्त हैं, भाई जैसे, तो ऑन स्क्रीन में भी वही दिखाई दे रहा है। I'm not aware of this, so till I read it, I can't. John, one last question. John, आपकी और वरुण की, जैसे कि आपने कहा जोड़ी बहुत पसंद की गई है, आपका जो रोमांस है मूवी में काफी अच्छे से दिखा है, ड्यूरिंग प्रमोशंस आल्सो यू टू वर लाइक वेरी टुगेदर, एंड आपके लाइक काफी फोटोज वगैरह भी वायरल हुए थे, जैसे कि वो टॉवर वाली फोटो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वी हैड अ लॉट ऑफ फन टुगेदर, क्योंकि वरुण और मैं हमेशा जब भी जहाँ भी ट्रैवल करते थे हम लोग जॉइंटिंग रूम्स में थे, तो सुबह सुबह उठ के हम लोग एक दूसरे के रूम में जाके डिस्कस करते थे, तो वो बहुत ही एक इम्प्रॉम्प्टू स्नैप था, वो टावल में आया मेरे रूम में और बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे, तो उसने कहा इसको हम लोग ट्वीट कर लेते हैं, मैंने कहा ठीक है, तो अभी से वेरी इम्प्रॉम्प्टू, कुछ ये कुछ डिज़ाइन नहीं है, और मैं कुछ प्लान नहीं करता हूँ लाइफ में, मैं बहुत ही ऑर्गेनिक हूँ, मैं मेरे आगे पीछे कुछ डिज़ाइन नहीं होता, आई हैव कम हियर टू एक्चुअली मीट द क्राउड इन गेटी, मुझे अच्छा लगता है आप लोग भी आ गए, इट्स फैंटास्टिक, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पांस मिलता है वो सही रिस्पांस मिलता है, एंड यहाँ की जो ऑडियंस है वो हमारी ऑडियंस है, वो हमारी जनता है, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच।